स्पेशल बनाकर लाए हैं। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने धूप में शूट करना स्टार्ट किया। आज मैं मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने किया नहीं शूट। तो मैं अभी से शूट करूंगी और दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है। अब मैं अपने ट्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं ट्यूशन के लिए निकल रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:00। सो आगे देखते हैं आज क्या होता है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए आगे की चीज़ें देखने के लिए। यहाँ मुझे दिखते हैं दो प्यारे प्यारे कबूतर, जो दोनों शायद से डेट पे आए थे और मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया है। हेलो। तो मैं इन्हें यहीं पे छोड़ देती हूँ थोड़ा पर्सनल टाइम देने के लिए। तो अब फाइनली मैं अपने ट्यूशन के लिए निकल चुकी हूँ। आप देख सकते हो आज बहुत अच्छा दिन है, धूप काफ़ी तेज है और काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसे रिक्शे में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। आगे मैं आपको एक अंकल से मिलाऊंगी। मैं डेली उसको देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं और वो साइकिल पे झोले और कुछ बेचते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट मुझे बड़ा देख के उनको बहुत वो लगता है। बट इस एज में भी वो काम कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। आपको दिख रहा होगा उसे ब्लू शर्ट में वो बैठे। मैं क्लोजअप नहीं कर पाई क्योंकि रिक्शा चल रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा शूट। धन्यवाद। अब मैं पहुंच गई अपने दूसरे ट्यूशन में जहां मैं 3rd को पढ़ाती हूँ। यहाँ मुझे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी मिलता है जो सो रहा होता है बिल्कुल शांति से। तो मैं सिर्फ डिस्टर्ब किए बिना ऊपर चली जाती हूँ। अब बताओ नेक्स्ट टाइम से आप अपनी नोटबुक गंदी करोगे? नहीं। तो आपकी पनिशमेंट पता है क्या होगी नेक्स्ट टाइम से? मैं पूरे दिन पढ़ाऊंगी आपको, फिर पूरे दिन। प्रॉमिस? मम्मा को बोलो। पहले प्रॉमिस करो मुझे, पक्का प्रॉमिस ना? ठीक है, पिंकी प्रॉमिस कर रहे हो आप कि आप नेक्स्ट टाइम से अपनी नोटबुक गंदी नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? ओके। अगर होमवर्क कल देन नहीं मिला अथर्व तो मैं क्या करूँगी? मुर्गा बनाऊंगी आपको। पक्का ना? कल रोगे तो नहीं ना कि मैं मुर्गा नहीं बनूंगा अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो? नहीं रोगे ना, गुस्सा नहीं करोगे ना? पक्का होमवर्क कंप्लीट मिलेगा ना मुझे कल? बोलो कल मैं होमवर्क कंप्लीट करके रखूँगा। नहीं तो ओके। ओह शिट, फिर क्या हुआ? मर गई वो छिपकली की कहानी खत्म। ओके चलो मैं जाऊँ। तो यहाँ मैं मिलती हूँ जैकल से। तो ये सबसे मेरा फेवरेट पार्ट होता है क्योंकि मैं जब इसे मिलती हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मुझे ऐसे भी डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। जैको भी काफ़ी हैप्पी लगता है मुझे देख के, तभी ये भौंक भौंक के मेरा वेलकम करता है और अब मुझे ये अंदर बुला रहा है। क्या कर रहा है? गड्ढे में बैठा है तू? दोरू इधर आ, जल्दी आ भाग के आ जा। आ आलसी, वो देखो कौन आ रहा है। गोल्डी, फिर तू बदतमीजों वाली हरकतें करेगा गोल्डी। मैं फिर शुरू हो गया तू बदतमीज। मैं नहीं मिल रही तेरे से, जा मैं जा रही हूँ फिर। हेलो एवरीवन, ये चिमकांडे जैसा लड़का मेरे पीछे बैठा हुआ है और मामा कुछ स्पेशल बनाकर लाए हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं कि मामा क्या बनाकर लाए हैं। तो मामा बनाकर लाए हैं चिकन, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं खाकर बताऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। आप देख सकते हो इस ये अजीब अजीब शक्लें बना रहा है क्योंकि इसके मुंह में आ रहा है पानी। पानी कैसे आता है रियांश? और यहाँ पे तो चिमकांडी जैसी लड़कियाँ। सो हम चिकन खाना स्टार्ट कर चुके हैं। पीयू चिकन कैसा लगा? स्पाइसी और टेस्टी। तुझे कैसा लगा? स्पाइसी और टेस्टी। रियान चिकन कैसा है? अच्छा। और ये चिकन बनाया हमारे मामा ने। गुड, वेरी गुड। बच्चे खाली है? मैं भी गुड। और बोलो? बच्चे खाली है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए और अपने आप खाना खा रहा है।
ये खुद खाना खा रहा है, आप इसकी प्लेट की हालत देख सकते हो। तो आज मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई, तो मैंने जितना भी शूट किया है उसको मैं एडिट करके डाल दूंगी। अब रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है और मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी क्योंकि मेरे सारे ऑलमोस्ट ट्यूशन थे और मुझे एक्स्ट्रा भी पढ़ाना था क्योंकि अभी थोड़े कुछ बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं एंड कुछ बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि कल मैं एक एक चीज़ डालूंगी अच्छे से। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।